अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज हम डिबेट किसी और मुद्दे पे करने जा रहे थे, लेकिन अचानक से देश भर के लिए इतनी बड़ी खबर आ गई कि हमें अब डिबेट इस पर शिफ्ट करनी पड़ रही है। 2000 के नोट बंद, 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर दीजिए, वरना फिर इन नोटों का कोई अता पता नहीं। 2000 के नोट बंद होने से अचानक जब शाम को अभी खबर आई है, हंगामा मच गया है। कारण क्या है इसके पीछे, इनके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए और समझा जाना चाहिए कि यह हुआ क्यों। 2000 के नोट बंद होने से क्या लाभ हैं और क्या हानि है, और इससे होगा क्या, पब्लिक इंपैक्ट क्या है, हम इन सारे विषयों का भी अध्ययन करने जा रहे हैं। बहन भाइयों, जब 2000 के नोट आज अचानक से बंद करने का RBI ने ऐलान किया, पूरे देश भर में अफरा तफरी मची हुई है। हर कोई बस 2000 के नोटों की चर्चा कर रहा है। जिनके पास भी 2000 के नोट हैं वो चिंता में हैं कि उनका क्या होगा। वो लगातार या तो टेलीविज़न पर अपडेट ले रहे हैं या जानकारी ले रहे हैं, और हर क्षण नए नए अपडेट आ रहे हैं। कभी RBI कहता है कि ये टेंडर वैलिड रहेंगे और लगातार जारी रहेंगे, फिर क्लैरिफिकेशन आता है कि 30 सितंबर तक बैंकों में इसे जमा किया जा सकता है। अब आया कि नहीं, 4 महीने तक जमा कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी स्थिति खुद ही स्पष्ट नहीं कर पा रहा है RBI कि वो एक्चुअली चाहता क्या है। लेकिन अचानक से 2000 के नोट बंद होने से बाजारों में बड़ी अफरा तफरी है। व्यापारी वर्ग परेशान है, लोग जिनके पास है भी थोड़ा बहुत पैसा, अब उनको लगता है कि उन्हें फिर से जाकर बैंकों में लाइन लगानी पड़ेगी, इस पैसे को जमा करना पड़ेगा। और बैंक अगर एक्सचेंज आप चाहते हैं कि भैया हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख बदलेगा नहीं, 20,000 की सीमा बांध दी गई है। अब ये नहीं बताया गया कि 20,000 एक दिन में, 20,000 एक महीने में, या 20,000 एक हफ्ते में, अभी इस पर भी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। तो 2000 की नोट बंद क्यों की गई और 1000 की नोट क्यों बंद की गई? सरकार का क्लेम है कि वो ब्लैक मनी को बंद करना चाहती है, इस कारण 1000 की नोट बंद हुई। अब सरकार कह रही है कि हमें 2000 की नोट हम बंद कर रहे हैं। तो 2000 की नोट बंद करके सरकार अचीव क्या करना चाहती है? क्योंकि बाजार में जब से ये खबर आई है 6:50 के बाद से, पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। लोग काफ़ी परेशान हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि 2000 के नोट बंद होने से आखिर क्या अचीवमेंट हासिल होंगे, और अब जिनके पास है वो इस पैसे का करेंगे क्या। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। मैंने आज की इस परिचर्चा के लिए एक विशेष निवेदन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED के फार्मर डायरेक्टर और इस देश के बेहद काबिल अफसर कर्नल सिंह साहब को आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में, क्योंकि काले धन पर उनसे ज़्यादा इस देश में किसी ने काम नहीं किया, तो वो एक बेटर पर्सन है जो ये ब्रीफ कर पाएंगे कि 1000 का बंद हुआ तो हमने क्या अचीव किया, अब हम 2000 का बंद करके क्या अचीव कर लेंगे। कर्नल सिंह साहब, स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया कि हमारे दर्शकों के लिए आपने विशेष समय आज हम निकाला है। तो सर, ये मैंने जब आप खबर सुनी कि 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, मैं आपसे कारण समझना चाहता हूँ। आपने तो बहुत काम किया है डिपार्टमेंट के भीतर, ये 2000 के नोट बंद करने से सर हम क्या अचीव कर लेंगे? बहुत से लोगों ने जो ब्लैक मनी जो 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय के बाद फिर लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया ब्लैक मनी, और जनरली वो हाई डिनोमिनेशन के नोट्स में उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। तो रिज़र्व बैंक ने ये 2000 नोट के नोट छापना पहले ही बंद कर चुके हैं वो, और अब वो ये प्लान किया कि जिन लोगों के पास लेजिटिमेट मनी है, लेजिटिमेट धन है, वो बैंक में जमा करा दें, जिनका इलेजिटिमेट होगा वो जमा नहीं करा पाएंगे। एंड अगर इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हैं, 30 सितंबर तक, 4 महीने भी 30 सितंबर तक ही बनते हैं, तो चार महीने और 30 सितंबर एक ही चीज़ है इसमें, एक्चुअली उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, एक और इशू आया कि जी 20,000 को जमा करें, तो उन्होंने कहा 20,000 एट ए टाइम। दैट मीन्स इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है पर डे 20,000 रुपये जमा कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जमा करना है तो कितना भी जमा कर दें अपने अकाउंट में, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें। जी, तो इसका यही एक फ़ायदा ये होगा कि एक तो बड़े डिनोमिनेशन के नोट जो हैं बंद हो गए। इसका तरीका होता है कि इस तरह के नोट बंद करने से जिन लोगों के पास ब्लैक मनी फिर इकट्ठी कर ली है, वो ब्लैक मनी उनकी बेकार हो जाएगी और इसका फ़ायदा होगा हमारी इकोनॉमी को। सर, आम आदमी व्यापारी तबका भी थोड़ा सा चिंतित है कि अब क्या उसे फिर से लाइन में लगना पड़ेगा, और क्या वाकई में इस तरह के कदम उठाने से ब्लैक मनी पर हम नियंत्रण कर पाएंगे?
देखिए व्यापारियों को अगर देखें उनके अपने बैंक अकाउंट हैं और इसलिए वो सारा पैसा जमा कर सकते हैं बिना किसी उसके, अगर उनका वाइट मनी है, लेजिटिमेट मनी है। प्रॉब्लम उन्हीं को आएगी जिनके पास लेजिटिमेट मनी है। एक्सचेंज की सिचुएशन कम आती है जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, पर आज की डेट में कहना कि लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है वो बड़ा मुश्किल है। अधिकतर लोगों के बैंक अकाउंट है, तो कुछ लोगों के जिनके नहीं बैंक अकाउंट होंगे ओनली उनको एक्सचेंज कराने पड़ेंगे, अदरवाइज अपने बैंक में जमा कराइए और फिर कितने भी पैसे निकाल लीजिए। जी आपका अनुभव सर क्या कहता है कि इस तरह नोटबंदी से, जो 2016 में हमने 1000 के नोट बंद किए थे और अब हम 2023 यानी मई में 2000 के नोट बंद कर रहे हैं, क्या हम वाकई में नोटबंदी करके काला धन के का जो सर्कुलेशन है उसको रोक पाने में कामयाब होंगे? क्या ये उचित कदम है? देखिए कदम तो उचित है, लेकिन रोक पाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे वो डिफरेंट इशू है, क्योंकि आप देखिए डिमोनेटाइजेशन के बाद भी फिर लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया इस तरह का ब्लैक मनी, तो लेकिन इसमें सर्कुलेशन पे जरूर लगाम लगती है। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को फायदा होता है इसका, और जो लोग वाइट मनी जिनके पास है उनको सर्टेनली ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब वाइट मनी और ब्लैक मनी का कंपटीशन होता है इकोनॉमी में जी, तो ब्लैक मनी जीतती है उसमें, क्योंकि उनको बेसिकली अपनी ब्लैक मनी छुपानी होती है और इसलिए जो जेन्युइन पीपल हैं उनको फायदा होता है इस तरह के कदम से सरकार के। जी सर, ये एक स्वच्छ नोट पॉलिसी रिजर्व बैंक लागू कर रहा है, पर एक मसला ये है सर कि अब 2016 में और 5.5 साल बीते हैं और एक और नोटबंदी हो गई, थोड़ा करेंसी के प्रति लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी पर लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होते होंगे, तो इसका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पर और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है? क्रेडिबिलिटी पर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये लीगल टेंडर है और इसको बंद नहीं किया गया कि आज की डेट से ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये लीगल टेंडर है, आप इसको चला सकते हैं, मार्केट में यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि 30 सितंबर तक आप इसको बैंक में जमा करा दें ताकि इस नोट का टोटल सर्कुलेशन बंद हो जाए और 500 और 1000 रुपये के और जो दूसरे नोट्स हैं उनका सर्कुलेशन ज़्यादा चले। जी इसका सर अर्थव्यवस्था पर आप कोई इम्पैक्ट इमीडिएट देखते हैं और लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि इस तरह के कदम उठाने से क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाएंगे, या हम उसे हिला रहे हैं, या हम उसे और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जैसे मैंने बताया कि जब काला धन और सफेद धन में झगड़ा होता है मार्केट में, मार्केट फोर्सेस में, फॉर एग्जांपल एक आदमी बिजनेस करता है ब्लैक मनी से, एक आदमी बिजनेस करता है वाइट मनी से, तो ब्लैक मनी वाला जो बिजनेस कर रहा है उसका एम है इसका ओरिजिन कंसील किया जाए, वाइट मनी वाले का पर्पज है इनकम उससे जनरेट की जाए, तो इस लड़ाई में जो ब्लैक मनी वाला वो कम रेट पर चीज बेच सकता है, तो जो लोग लेजिटिमेट बिजनेस करते हैं उनको नुकसान होता है जिस कंट्री में ब्लैक मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। तो सर्टेनली इससे आम लोगों को फायदा होगा जो जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं और कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। जी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का आपका जो अनुभव है वो बहुत बड़ा है, आपका अनुभव इस मामले में क्या कहता है कि क्या इस तरह नोटबंदी करने से हम ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को वाकई में रोकने में कामयाब होंगे? देखिए लॉन्ग टर्म का कहना मुश्किल है, बट सर्टेनली ब्लैक मनी कम होगी और सर्कुलेशन पे शॉर्ट टर्म पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा और इसका फायदा होगा कंट्री को। जी पर सर क्या जब हमने 1000 के नोट बंद किए तो ये कहा गया था कि ये हम ब्लैक मनी को रोक देंगे, लेकिन आप देखिए कि जैसे 1000 का नोट बंद करके हमने 2000 का चालू किया, लोगों ने फिर उसको अपने पास रख लिया, अब हमें उसे बंद करना पड़ रहा है, अब कल को कोई और नोट जारी होगा उस पर भी सर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, तो पब्लिक के मन में एक थोड़ा सा तो भाव उत्पन्न होते हैं ना? नहीं, इससे देखिए आप ये कह रहे हैं कि ये बंद किया, नए नोट आ गए, पब्लिक ने फिर स्टोर कर लिया, ये बेसिकली हमारे सिस्टम के ऊपर है, समाज के वैल्यू सिस्टम के ऊपर आप बात कर रहे हैं जी, क्योंकि लेकिन एक जरूर चीज होती है कि लोगों को ये लगने लगता है कि अगर हम ब्लैक का काम करेंगे तो हम पकड़े जा सकते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, और ये जो डर जब पैदा होगा और ये जो लोगों में विश्वास आएगा कि हम ब्लैक मनी ना रख के वाइट मनी से भी काम करेंगे तो हमारा फायदा होगा, तो एक अर्थव्यवस्था उससे मजबूत होती है। जी तो अभी लोगों को क्या करना चाहिए, आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि इमीडिएट अभी जनता, व्यापारी या जो लोग भी जिनके पास लेजिमेट मनी है उन्हें क्या करना चाहिए अभी?
देखिए, उन्हें पहली चीज है ये घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम से स्केयर क्रिएट होता है, पता नहीं क्या हो गया है। तो पहली चीज उन्हें विश्वास रखना चाहिए सिस्टम पे। दूसरी चीज, जिन लोगों के बैंक में अकाउंट हैं वो अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करें जी, जिनके नहीं अगर वो एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसमें रेस्ट्रिक्शन जरूर है, 20,000 रुपये एट ए टाइम, जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। ये इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है कि आप बैंक में एक ही दिन में 10 बार जाओ, बट जनरल इंटरप्रिटेशन इसका ये होना चाहिए कि पर डे आप 20,000 रुपये बैंक से एक्सचेंज कर सकते हो। सर सरकार और जिनके बैंक में अकाउंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पैसे 2,000 के रुपए नोट जमा कराएं और जितने मर्जी दूसरे नोट बैंक से निकाल लें अपना कैश जो है। सरकार और RBI को थोड़ी अवेयरनेस पर और काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ चारों तरफ से लोग सिर्फ सवाल कर रहे हैं, अभी और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है सर। एजुकेशन की आई कैन से जरूरत पड़ सकती है लोगों को, कि समझ आए कि ये कोई बहुत ऐसा स्टेप नहीं है जिससे उनको प्रॉब्लम आएगी, जो जेन्युइन लोग हैं। एक इस तरह की एजुकेशन देने की जरूरत है, वो आपके मीडिया के थ्रू भी हो सकती है, जो आपके मीडिया में आप जो स्पीकर बुलाते हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट फिर मैं अगेन दोबारा कह रहा हूँ कि किसी भी जेन्युइन आदमी को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सफिशेंट टाइम है, और अपने पूरे पैसे इवन एक साथ जमा करा सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें कि पैसे जमा कराने में कोई रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप किसी का अकाउंट है, किसी व्यापारी का अकाउंट है, उसके बिजनेस का सर्टेनली अकाउंट होता है, उस अकाउंट में जो आप उसके पास जेन्युइन कैश है उसको जमा करने में दिक्कत नहीं है। जो नॉन जेन्युइन है सर्टेनली दैट इज ए ब्लैक मनी और उसका उसको नुकसान होगा। ऑलराइट सर, मुझे लगता है एजेंसीज का काम अब आने वाले समय में और बढ़ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए तत्काल इस मसले पर समय निकाला और उनको गाइड किया, बताने की कोशिश की। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। करनैल सिंह साहब मेरे साथ मौजूद थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED के फॉर्मर डायरेक्टर, और वो बता रहे थे कि ये 2,000 के नोट बंद हुए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों को क्या करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है सरकार के एंड पर भी और पब्लिक के इन पर भी। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज मैंने डिबेट किसी और विषय पर बुलाई थी, लेकिन अचानक से 6:00 बजकर